यहां तक कि अब इस चर्चा में खास मोड़ आया है, क्योंकि पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन कप्तान ने खुद इस बात का दावा कर दिया है कि विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे बाबर आजम। इमरान खान से जियो न्यूज के पत्रकार ने पूछा कि बाबर आजम और विराट कोहली की तुलना पर आप क्या कहोगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हाल में मैंने देखा नहीं है उनको, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक क्लास प्लेयर है। मुझे तो बाबर की क्लास बहुत अच्छी लगती है, बल्कि वो विराट से आगे भी जा सकता है जो मैंने देखा। क्योंकि इस बार ये स्टेटमेंट किसी ऐसे खिलाड़ी, कोई 20 मैच खेले हुए 30 मैच खेले हुए इंसान ने, ऐसे क्रिकेटर ने नहीं दिया, ये स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान के सबसे बड़े कप्तान और पॉसिबली आप कह सकते हैं एक विजनरी। हम बात करते हैं 90s में कोई एक विजनरी कप्तान था जिसकी मतलब सोच समय से आगे की थी। आई हैवंट रिसेंटली सीन क्रिकेटर मच, बट आई बिलीव दैट विराट कोहली एंड बाबर आजम बिलोंग टू द सेम क्लास। बाबर आजम कैन सरपास विराट कोहली, इज दैट गुड फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। समीक्रम गुज़श्ता रोज साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी अपनी पहचान बनाने वाले इमरान खान ने विराट कोहली और बाबर आजम के बारे में एक सवाल का जवाब दिया। चूंकि आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, एशिया कप भी करीब है, इसलिए इमरान खान से सहाफी ने विराट कोहली और बाबर आजम के मवाजने के बारे में क्वेश्चन किया। इमरान खान का कहना था कि गुज़श्ता एक साल से वैसे तो मैं क्रिकेट इतना ज्यादा नहीं देख पाया, लेकिन जो बातें मैं सुन रहा हूँ और जो बाबर आजम की क्लास है, बाबर आजम विराट कोहली से एक बेहतर प्लेयर है और उसके सारे रिकॉर्ड वो बहुत जल्दी तोड़ देगा। अब क्रिकेट की तारीख में और वीएन को देखा जाए तो इमरान खान शायद दुनिया के चंद गिने चुने लेजेंड्स में से एक हैं, जिनकी बात कोई भी रद्द नहीं कर सकता या उसे इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए इमरान खान का यह बयान फौरन भारत के गोदी मीडिया और उनके प्राइम मीडिया की जीनत बना। उस पर बाकायदा प्रोग्राम्स होने लगे, स्टैट्स निकाले जाने लगे। और अब भारत का मीडिया करे तो क्या करे, क्योंकि स्टैट्स तो खुद बोलते हैं। क्योंकि बाबर आजम ओडीआई में अभी 100 मुकाबले खेले हैं और तकरीबन 60 की एवरेज से उन्होंने रन स्कोर किए हैं, जबकि विराट कोहली उनसे बहुत पीछे हैं। जबकि अगर बात की जाए टेस्ट क्रिकेट की तो उसमें भी वो तकरीबन 48-49 के एवरेज के साथ वो अभी तक जितने भी वो मुकाबले खेल चुके हैं उन्होंने खेले हैं। लेकिन भारतीय अब ये वावेला करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने गुज़श्ता चंद मैचेस अपनी पिचेस पर खेले हैं, यानी पाकिस्तान में खेले हैं, और वो पाटा पिचेस नहीं रोड से, इसलिए उन्होंने स्कोर ज्यादा बनाए और उनके रिकॉर्ड्स बेहतर हुए। इन जाहिलों ने अभी ऑस्ट्रेलिया में शायद बाबर आजम के रिकॉर्ड्स नहीं देखे, जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कान के पास से गेंदें गुजर रही थी, यानी यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर, वहां पर बाबर आजम कवर ड्राइव्स मार मार के ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के दिमाग खराब कर रहा था। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इमरान खान ने बयान क्या दिया और भारत का मीडिया उस पर क्या रिएक्शन दे रहा है। क्रिकेट के खेल में इस सदी के दो सबसे महान बल्लेबाज, एक तरफ है भारत के विराट कोहली तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। क्रिकेट के गलियारों में जब भी इस सदी के सबसे महान बल्लेबाजों का जिक्र होता है तो इन दोनों खिलाड़ियों का नाम हमेशा से अव्वल दर्जे पर आता है, और हमेशा से भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में ये चर्चा चलती रहती है कि कौन से खिलाड़ी ज्यादा शानदार बल्लेबाज है। यहां तक कि अब इस चर्चा में खास मोड़ आया है, क्योंकि पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन कप्तान ने खुद इस बात का दावा कर दिया है कि विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे बाबर आजम। तो किस कप्तान ने क्या कुछ कहा है वो हम जरूर देखेंगे, लेकिन अगर उससे पहले एक बात पे जरूर नजर डाली जाए कि विराट कोहली ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का डेब्यू किया था 2008 में, जबकि बाबर आजम का डेब्यू हुआ था 2015 के अंदर। 7 साल का अंतर इन दोनों खिलाड़ियों में, शायद इन दोनों खिलाड़ियों में किसी भी तरह के कंपैरिजन की कोई भी गुंजाइश नहीं रखता है, लेकिन इस बात की सराहना करनी जरूर चाहिए जिस तरह से बाबर आजम ने लगभग हर एक कंट्री के अंदर अपना वनडे क्रिकेट में एवरेज 50 से ज्यादा कर रखा है। ये बताता है कि वनडे में बाबर आजम के आंकड़े इस समय काफी शानदार हैं, जबकि T20 और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के आंकड़े उनसे काफी ज्यादा बेहतर भी हैं। तो आइए अब नजर डाल लेते हैं उस स्टेटमेंट के ऊपर जहां पर पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान ने इस बात का खुलासा किया है कि शायद विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे बाबर आजम। ऐसा कहने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता था। इमरान खान से जियो न्यूज के पत्रकार ने पूछा कि बाबर आजम और विराट कोहली की तुलना पर आप क्या कहोगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हाल में मैंने देखा नहीं है उनको, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक क्लास प्लेयर है। मुझे तो बाबर की क्लास बहुत अच्छी लगती है, बल्कि वो विराट से आगे भी जा सकता है जो मैंने देखा है, हालांकि मैंने एक साल से क्रिकेट नहीं देखा है। तो यहां पर इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट जरूर आया है, जहां पर उनके मुताबिक बाबर आजम कभी ना कभी विराट कोहली को पीछे जरूर छोड़ सकते हैं। बात करेंगे विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। देखिए एक डिबेट है जिसको लोग बातें तो करते हैं, लेकिन उस तरीके का तर्क नहीं है अभी, क्योंकि आप एज इट इज विराट कोहली और बाबर आजम को एक आप कैसे नहीं सकते कि आप एक स्टैंडर्ड्स पे भी रख सकते हैं। जरूर आप कह सकते हैं कि हाँ अर्ली ऑन इन हिज करियर 100 मैचेस के कंपैरिजन के बाद बाबर आजम के जो नंबर्स हैं वो ये सजेस्ट करेंगे कि वो विराट कोहली से आगे हैं, और जरूर करें भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप 100 मैचेस का एक सैंपल साइज भी लेते हैं वहां पर ऑलमोस्ट 60 की ओडीआई एवरेज आपकी, 47 टेस्ट मैच मुकाबले आपके, और उसमें भी आपके ऑलमोस्ट 48 की वहां पर एवरेज, तो आप उस पाथ पर हैं जब आप एक ग्रेट
बन सकते हैं डेफिनेटली। ओवरऑल जब आपका करियर खत्म होगा तो आपके नंबर्स को रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो एरा समाव आपने डोमिनेट करा था, लेकिन अगर आपको विराट कोहली के नंबर्स सरपास करने हैं तो आपको अपनी लेगेसी भी वैसे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये डिबेट आई कहां से, बार बार उठती है, लेकिन इस बार ये डिबेट पे हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं और बहुत सारे कंपैरिजंस भी करेंगे, क्यों? क्योंकि इस बार ये स्टेटमेंट किसी ऐसे खिलाड़ी, कोई 20 मैच खेले हुए 30 मैच खेले हुए इंसान ने, ऐसे क्रिकेटर ने नहीं दिया, ये स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान के सबसे बड़े कप्तान और पॉसिबली आप कह सकते हैं एक विजनरी। हम बात करते हैं 90s में कोई एक विजनरी कप्तान था जिसकी मतलब सोच समय से आगे की थी, जो उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को एकजुट करके लाया और 1992 में वर्ल्ड कप जीता, जो आज तक भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने नहीं जीता है। एक लेगेसी थी उस टीम की, जब इमरान खान मतलब खिलाड़ी को पहचान लेते थे, वसीम अकरम का टैलेंट उन्होंने पहचाना, वकार यूनुस का टैलेंट उन्होंने पहचाना, तो वाज अ विजनरी। इंजमाम उल्लाह को बहुत ज्यादा हाईली रेट करते थे और उनका करियर फिर आपने देखा। तो पाकिस्तान का जो 90s में एक दबदबा रहता था उस टीम का आप कह सकते हैं कि एक लीडर, एक फ्लैग बेरर था इमरान खान। और इमरान खान जी, इमरान खान साहब की अगर बात भी करें रिसेंटली तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्रिकेटिंग टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इमरान खान एक ग्रेट, एक लेजेंडरी कप्तान रहे हैं और एक विजनरी। जैसे हमने बात भी करी, आपको एक एग्जांपल भी दूं मैं, जब सचिन तेंदुलकर साहब से पूछा गया था एक इवेंट के दौरान कि आपके 100 शतकों के रिकॉर्ड के आसपास भी कौन आ सकता है, आपके रिकॉर्ड्स के आसपास कौन आ सकता है, तो उन्होंने उस समय विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम लिए थे जब उनके करियर उस तरीके के नहीं थे कि यार आप बिल्कुल इमेजिन करो हां 100 शतकों के करीब, या आपके जो 50 शतक हैं या आपके 49 टेस्ट हंड्रेड्स, इस तरीके की थी चीजें, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार हाँ चलिए सचिन तेंदुलकर अगर किसी का नाम ले रहे हैं देन देयर मस्ट बी सम पर्पस एंड देयर वाज अ पर्पस। आज हम देखते हैं विराट कोहली के नंबर्स आप देख लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन क्या बाबर आजम उस लेगेसी को मैच कर पाएंगे? आपके सामने स्टेटमेंट चला देते हैं जी, इमरान खान सर की एक स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा वायरल वहां पर हो रही है। आई हैवंट रिसेंटली सीन क्रिकेट दैट मच बट आई बिलीव दैट विराट कोहली एंड बाबर आजम बिलोंग टू द सेम क्लास, बाबर आजम कैन सरपास विराट कोहली, इज दैट गुड फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। अब आप वापस आ जाइए, थोड़े नंबर्स की भी चर्चा करेंगे। देखिए बाबर आजम की, अब आप टेस्ट करियर की बात करें, टेस्ट करियर की लेगेसी सबसे ज्यादा एक खिलाड़ी को आप कह सकते हैं एक वहां पर एज देगा किसी के ऊपर भी, क्योंकि ओडीआई T20 या आपके रीसेंट फॉर्मेट्स ODIs में भी बहुत सारे खिलाड़ियों के ऐसे फेजेस आते हैं जहां वो डोमिनेट करते हैं। सबसे पहले हम रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट होता है, 47 टेस्ट मैच मुकाबले हैं वहां पर बाबर के, लेकिन उसमें से 13 मुकाबले पाकिस्तान में खेले गए। आप देखिए रिसेंट टाइम्स एक सवाल उठा है कि बाबर आजम थोड़े स्टैट पैडिंग के चक्कर में वहां पर जो विकेट जिस तरीके की बताई गई है ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब वहां पर कुछ है ही नहीं बॉलर्स के लिए, और उसका एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स वहां पर विकेट एक्सट्रैक्ट करने में वहां पर भी मतलब सक्षम नहीं थे, दो दो दिन वहां पर पाकिस्तान बैट कर ले रहा है, तो ऑलमोस्ट वहां पर ये था कि यार देखिए इट इज अ बैटिंग पैराडाइज, ऑलमोस्ट बल्लेबाज वहां पर प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, तो ये सवाल थोड़े उठे भी हैं। साइमन डूल ने भी रिसेंटली बयान दिया था कि बाबर इज प्रिपेयरिंग दोस पिचेस फॉर हिमसेल्फ सो दैट ही कैन स्कोर रन्स, वो अपने रिकॉर्ड बना सके। तो अगर लेगेसी ऐसी छोड़नी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ओवरसीज परफॉर्म करके बता दीजिए। लेकिन बाबर आजम की अब उम्र 28 साल हो गई, 2016 से इंटरनेशनल क्रिकेट में फीचर कर रहे हैं। अगर आप 47 टेस्ट मैच मुकाबलों का आप सैंपल साइज भी देखेंगे, अगर मैं उनका ब्रेकडाउन करूं और मैं विराट कोहली के अर्ली करियर का ब्रेकडाउन करूं तो आपको थोड़ा फर्क वहां पर दिखाई देगा, लेकिन बाबर के उस तरीके के दौरे ही नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया के चाहे दो दौरे वहां पर फीचर कर लियो, लेकिन केवल 5 मुकाबले, एक शतक वहां पर है उनका। अगर हम बात करेंगे इंग्लैंड की, इंग्लैंड में केवल 4 मुकाबले, न्यूजीलैंड में केवल 2 मुकाबले, साउथ अफ्रीका में केवल 3 मुकाबले, तो अभी सैंपल साइज उस तरीके से बहुत ज्यादा कम है। और 28 वो एज थी जब विराट कोहली ऑलरेडी एक लेजेंड बन चुका था।